गुड मॉर्निंग मैम. गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी. जॉइन ओके सो विल स्टार्ट. गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी. यस्टरडे गुड मॉर्निंग. यस्टरडे वी हैव डिस्कस्ड अबाउट डेलिरियम. सो हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया था. डेफिनेशन ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है. इंसिडेंसेस, देन इटियोलॉजी डिस्कस कर लिया था. क्लिनिकल फीचर्स डिस्कस हो गए थे. डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस भी डिस्कस हो गया था. यस वी वर ऑन रिस्क फैक्टर्स. ओके सो इन डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस व्हाट वी हैव डिस्कस्ड इज पेशेंट का हिस्ट्री कलेक्शन, कंप्लीट हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन करना है, मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन करना है, न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करना है, हिमाटोलॉजिकल एग्जामिनेशन करना है, ब्लड ग्लूकोज, ESR, CBC, urine examination, X-ray, CT scan, MRI, all the things have to perform. Then risk factors, what are the risk factors included in dementia? Sorry, not dementia, delirium. So risk factors include advanced age, means people who are above 60 years of age or people who are elderly, they are in the risk of डेवलपिंग डिलीरियम. सो प्री एग्जिस्टिंग डिमेंशिया, अगर किसी को ऑलरेडी डिमेंशिया का प्रॉब्लम है तो दे कैन डेवलप एल्जाइमर्स डिजीज, पार्किंसंस डिजीज, डिलीरियम दे कैन डेवलप. देन फंक्शनल डिपेंडेंस, अगर एनी इंडिविजुअल इज हैविंग डिफिकल्टी इन वॉकिंग और एनी डिफिकल्टी इन परफॉर्मिंग द फिजिकल फंक्शंस लाइक वॉकिंग हो गया या बॉडी के अदर फंक्शंस हो गए, जस्ट स्वॉलोइंग हो गया, इंजेशन हो गया, फिर वॉकिंग है, सिटिंग है, स्टैंडिंग है, वर्किंग वर्किंग इन द ऑफिसेज है, एक्सरसाइजिंग है, फिजिकल मोबिलिटी है, दीज कैन ऑल्सो आर द रिस्क फैक्टर फॉर डिलीरियम. देन प्री एग्जिस्टिंग इलनेस, अगर किसी को ऑलरेडी किसी भी टाइप का इलनेस है, बोन फ्रैक्चर, इन्फेक्शन, मेडिकेशन, मेडिकेशन हमेशा मेडिकेशनल हिस्ट्री, इसीलिए बोला जाता है कि पेशेंट को मेडिसिनल हिस्ट्री पूछना चाहिए क्योंकि समटाइम पेशेंट्स आर हैविंग डिफरेंट डिफरेंट मेडिसिन एलर्जी. किसी को पेनिसिलिन से एलर्जी होती है, किसी किसी को एरिथ्रोमाइसिन से एलर्जी होती है, किसी को एंटी डिप्रेसेंट से एलर्जी होती है. डिफरेंट डिफरेंट मेडिसिनल मटीरियल्स effect differently in all the individuals. So these are the risk factors. Then what is the treatment? So identification of the cause and its immediate correction, that means, just for an example, 50% of dextrose if a patient is having hypoglycemia, O2 supplementation if patient is having hypoxia, then vitamin, अगर किसी को thiamine deficiency है या किसी को vitamin deficiency है तो patient को immediately vitamin B1 supply करना है, IV fluids for fluid and electrolyte balance, क्योंकि patient को बहुत सारी problems associated हो रही थी. Then उसके बाद आते हैं symptomatic measurements में. Symptomatic measurements में measures में हम क्या करेंगे, जैसे पेशेंट को किसी भी टाइप के सिम्टम्स हैं, लाइक पेशेंट को एंजाइटी है, पेशेंट को डिप्रेशन हो रहा है, उनको ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रहा है, उनको स्वॉलोइंग प्रॉब्लम हो रहा है, पेशेंट को मूवमेंट डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, तो ये सारे सिम्टोमैटिक इश्यूज हैं. तो अभी हम पेशेंट को सिम्टोमैटिक ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे. तो अगर कोई पेशेंट अगर कोई पेशेंट डिप्रेसिव है या उनको एंजाइटी हो रही है तो एंटीसाइकोटिक्स प्रोवाइड करेंगे, बेंजोडायजेपिन्स प्रोवाइड करेंगे, फिर पेशेंट का साइकेट्रिक मैनेजमेंट करेंगे. अब साइकेट्रिक मैनेजमेंट में क्या क्या चीजें आती हैं? साइकेट्रिक मैनेजमेंट में दो चीजें आती हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट. फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में पेशेंट को एंटी साइकोटिक्स प्रोवाइड करेंगे, फिर एंटी डिप्रेसेंट्स प्रोवाइड करेंगे, फिर पेशेंट को सेडेटिव्स भी प्रोवाइड करेंगे. सेडेटिव्स इसलिए प्रोवाइड करते हैं क्योंकि सेडेटिव्स क्या करते हैं, ब्रेन की एक्टिविटी को डिमिनिश कर देते हैं, ब्रेन की एक्टिविटी को कम कर देते हैं. और जब ब्रेन का एक्टिविटी कम हो जाता है तो बॉडी रिलैक्सेशन में पहुंच जाती है. व्हेन बॉडी गोज इनटू द रिलैक्सेशन, द मसल्स एंड द अदर बॉडी फंक्शंस आर गेटिंग रिलैक्स्ड. व्हेन द बॉडी इज इन रिलैक्स्ड कंडीशन, द पेशेंट वुड बी एबल टू परफॉर्म और पेशेंट वुड बी एबल टू हियर एक्सेसिवली. हेलुसिनेशंस नहीं होंगे, डिल्यूजन्स नहीं होंगे पेशेंट को, तो इसीलिए सेडेटिव्स प्रोवाइड करते हैं टू मेंटेन द नेचुरल फिनोमिनल मेंटल हेल्थ ऑफ द पेशेंट और टू रिलैक्स द ह्यूमन बॉडी टू मेंटेन द नेचुरल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी. इसीलिए हम पेशेंट को सेडेटिव्स देते हैं. फिर आता है आपका साइकेट्रिक मैनेजमेंट. अब साइकेट्रिक मैनेजमेंट में क्या है कि पेशेंट को साइकेट्रिक हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया है. नाउ what is the what you have to do is identify the course by taking psychiatric history
जनरल हिस्ट्री एंड मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन. तो सबसे इंपॉर्टेंटली व्हेन द पेशेंट इज एडमिटेड इन द साइकियाट्रिक हॉस्पिटल और साइकियाट्रिक वार्ड आइडेंटिफाई द कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट. के पेशेंट का साइकियाट्रिक हिस्ट्री प्रोवाइड कराना है, पूरा का पूरा फाइल में लिखा होता है कि कब से पेशेंट को अटैक्स हो रहे हैं, किस किस तरीके का अटैक होता है, पेशेंट को हाइपर एक्टिव हो जाता है, हाइपो एक्टिव रहता है पेशेंट, कॉन्शियस है, कॉन्शियस हो जाता है, अनकॉन्शियस हो जाता है पेशेंट. तो दीज ऑल थिंग्स कम्स अंडर योर साइकियाट्रिक हिस्ट्री. फिर जनरल हिस्ट्री, जनरल हिस्ट्री में आपका सिमिलर चीजें आएंगी, पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री, पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री, प्रेजेंट सर्जिकल हिस्ट्री, मेडिसिनल एलर्जी हिस्ट्री, एनी टाइप ऑफ ड्रग एलर्जीज, एनी टाइप ऑफ फूड एलर्जीज, एनी टाइप ऑफ फैमिली हिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेबल डिसऑर्डर्स, नॉन कम्युनिकेबल डिसऑर्डर्स, फिर किसी भी तरीके का खुद का किसी कोई कोई भी ट्रॉमल इंजरी तो नहीं है पेशेंट को. तो दीज थिंग्स कम्स अंडर योर हिस्ट्री कलेक्शन. देन आता है मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन. अब मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन हम ग्लासगो कोमा के हेल्प से लेते हैं. मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन में क्या क्या चीजें हमने स्टेप बाय स्टेप करनी है. सबसे पहले पेशेंट का कॉन्शियसनेस लेवल चेक करना है. पेशेंट कॉन्शियस है, सब कॉन्शियस है, अनकॉन्शियस है, वो स्टिमुलाइज के लिए मूव करते हैं नहीं करते, स्टिमुलाइज के लिए रिस्पॉन्स करते हैं नहीं करते हैं, आई ब्लिंकिंग है या नहीं है, पेशेंट ओरिएंटेड है या डिसओरिएंटेड है, ओरिएंटेड है तो हाउ मच ही इज ओरिएंटेड टुवर्ड्स टाइम पर्सन एंड प्लेस, एंड इफ पेशेंट इज डिसओरिएंटेड दैट मीन्स दे वोंट बी एबल टू आइडेंटिफाई एनीथिंग. वो कहाँ है, किससे बात कर रहे हैं, कौन उनका फैमिली मेंबर है, तो दैट मीन्स पेशेंट इज डिसओरिएंटेड. उनको क्वेश्चंस देंगे आप, आपको कब से प्रॉब्लम हो रही है, या आपका मैथमेटिक्स किस तरीके का है, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स देंगे, कॉग्निटिव एबिलिटीज चेक करेंगे पेशेंट की, फिर मोटर फंक्शंस चेक करेंगे, फिर सेंसरी स्किल्स पेशेंट का चेक करेंगे. सेंसरी स्किल्स में क्या आते हैं, आप पेशेंट को बोलो एक पेंसिल आपको दे रहे हैं इसको उठा के दिखाओ, तो ये मोटर स्किल्स में आएगा. सेंसरी स्किल्स में आर यू एबल टू फील कि मैंने आपको टच किया है, या आर यू एबल टू फील आप बैठे हो, कहाँ बैठे हो, आप किसी भी चीज को फील कर पा रहे हो, दैट इज दैट कम्स अंडर योर सेंसरी एग्जामिनेशन. तो साइकेट्रिक मैनेजमेंट, साइकेट्रिक मैनेजमेंट में क्या क्या करना है, while patient is admitted in the psychiatric hospital identify the course of management. ab course of management mein importantly you have to collect for the psychiatric history, general history and you have to perform the mental status examination. ab mental status examination ho gaya, history collection ho gaya, after that you have to go for the investigations. investigations kya kya the, brain mri karana hai, ct scan, jo bhi doctor ne prescribe फॉर्मेट दिया है उसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं. सीबीसी कराना है, चेस्ट एक्सरे कराना है, या फिर स्कल एक्सरे कराना है, एमआरआई कराना है, सीटी स्कैन कराना है, नर्व कंडक्शन टेस्ट कराना है, फिर आरएच कंपैटिबिलिटी कराना है, ब्लड एग्जामिनेशन होने हैं, यूरिन एग्जामिनेशन होने हैं, एलएफटी केएफटी होना है, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट होना है, ये सारे के सारे इन्वेस्टिगेशन हैं. द पेशेंट द नर्स हैज टू परफॉर्म और नर्स हैज टू टेक टू द पेशेंट टू द इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट. नाउ नर्सिंग मैनेजमेंट में और क्या क्या चीजें आती हैं, फर्स्ट हॉस्पिटलाइजेशन. तो पेशेंट हॉस्पिटलाइज हो गया, उसके बाद पेशेंट का हिस्ट्री कलेक्शन करना है कंप्लीट, उसके बाद पेशेंट का डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन होने हैं. डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में भी पेशेंट की जितनी सारी जितने सारे ऑब्जर्वेशनल टेस्ट हैं वो सारे परफॉर्म करने. आफ्टर द ऑब्जर्वेशनल स्टडीज व्हेन द पेशेंट केम बैक टू द वार्ड, देन मेक द पेशेंट कंफर्टेबल इन द वार्ड. And make the patient comfortable in the ward. If the patient is agitated, then use physical strains. अगर बहुत ज़्यादा hyperactive है patient, या उनको लग रहा है कि sisters को लग रहा है कि patient किसी भी तरीके से दूसरे patients को harm कर सकते हैं, तो इसलिए physical restraints use करने हैं. Vital signs patient के check करने हैं, क्योंकि patient का vital signs भी, अगर patient hyperactive है, पेशेंट की हाइपर एक्टिविटी बहुत ज्यादा हो रही है, फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा हो रही है, वो डेंजरस है, डेंजरस इन द सेंस कि वो काम नहीं है, उनको नए एनवायरनमेंट में आके थोड़ा डर लग रहा है, एंजाइटी है, डिप्रेसिव है, पेशेंट कॉन्शियस है चीजों को लेके, तो वो इधर उधर मार सकते हैं. तो इसीलिए वाइटल साइंस चेक करना जरूरी है उनकी वाइटल साइंस, क्योंकि उनको काम डाउन करना है. Then therapeutic things में क्या चीजें आएंगी, give the drugs which are prescribed by the psychiatrist regularly, keep the six rights in mind. Six rights कौन कौन से हैं medicines के, जो normally हम check करते हैं, right time, right place, right person, right drug, right dose, and one more thing, what is right? Right time, right person, right place,
प्लेस इन द सेंस कि वो ओरल ओरल देनी है, राइट रूट जिसको बोलते हैं, राइट रूट देन राइट टाइम एंड राइट राइट डोज, ड्रग एंड डोज, ड्रग भी राइट होनी चाहिए एंड डोज भी राइट होनी चाहिए. तो दीज थिंग्स हैव टू कीप इन माइंड. सो व्हेन वी गिव ओरल मेडिकेशन टू द पेशेंट, सी दैट वेदर पेशेंट फॉलोज द मेडिकेशन मेडिसिन और नॉट. ये मोस्ट ऑफ द टाइम साइकेट्रिक हॉस्पिटल्स में होता है, नॉट ओनली साइकेट्रिक हॉस्पिटल्स, ये मोस्ट ऑफ द टाइम होता है जब पेशेंट दवाइयां खाते खाते थक जाते हैं या पेशेंट्स को लगता है कि हम ठीक तो हो ही नहीं रहे हैं, दवाइयों का कोई असर तो हो ही नहीं रहा हमारी बॉडी के ऊपर, क्यों फालतू में दवाइयां खाना. तो वो क्या करते हैं, मेडिसिन मुंह में रख लेते हैं, पानी ऐसे पी जाते हैं और बाद में सिस्टर के जाने के बाद वो दवाई बाहर निकाल देते हैं. व्हेन यू आर गिविंग ओरल मेडिकेशन टू एनी पेशेंट, नॉट ओनली साइकेट्रिक पेशेंट बट एनी पेशेंट, एनी डिजीज रिलेटेड पेशेंट, यू हैव टू चेक वेदर द पेशेंट हैज फॉलोड द मेडिकेशन और नॉट. Then observe for any type of side effects. किसी भी तरीके के patient को side effects तो नहीं हो रहे हैं. Side effects और adverse effects हो सकते हैं patient को, but वो हर किसी disease condition, हर किसी drug के साथ में associated होते हैं. But sometimes anaphylactic reactions तो नहीं है या hypersensitivity reactions तो नहीं हो रहे हैं. These things we have to consider in mind. Then record the dose. रिकॉर्ड द डोज फ्रीक्वेंसी इन नर्सेज रिकॉर्ड, यानी कि जो भी डोजेस प्रोवाइड कराई गई है पेशेंट को, जितनी डोजेस प्रोवाइड कराई गई है, दैट इज नोन एज डॉक्यूमेंटेशन, रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्टिंग. फाइन. देन प्रोवाइड सेफ एनवायरमेंट टू द पेशेंट, जहां भी पेशेंट को हमने रखा है वो साइकेट्रिक वार्ड है या स्पेशल वार्ड है, वहां हमने पेशेंट को सेफ एनवायरमेंट प्रोवाइड कराना है. तो रेस्ट्रिक्ट द एनवायरमेंटल स्टिमुलाइज, कीप यूनिट्स काम एंड वेल इल्यूमिनेटेड. पेशेंट्स को क्या क्या अच्छा लगता है कि जो भी एरिया है उनके आसपास का वो साफ हो, वो काम हो, क्लीन हो, इल्यूमिनेटेड हो. इल्यूमिनेटेड मीन्स काफी अच्छे से हवादार हो और रोशनी वाला हो. देयर शुड ऑलवेज बी समबडी एट द पेशेंट्स बेड साइड रीअश्योरिंग एंड सपोर्टिंग. तो हमेशा पेशेंट के बेड साइड पर कोई ना कोई होना चाहिए, उनका रिलेटिव. क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम क्या है ना कि नर्सेज सिर्फ एक पेशेंट के साथ में बैठ के तो रह नहीं सकते, उनको बाकी सारे और भी पेशेंट्स देखने होते हैं. तो यू शुड एंश्योर, अ नर्स हैज टू एंश्योर दैट देयर शुड बी समबडी ऑल द टाइम विद द हेल्प फॉर द हेल्प ऑफ पेशेंट. देन एज द पेशेंट इज रिस्पॉन्डिंग टू अ टेरिफाइंग अनरियलिस्टिक वर्ल्ड बिकॉज पेशेंट इज हेलुसिनेटिंग एंड पेशेंट हैज इल्यूजन्स, पेशेंट हैज डिल्यूजन्स, तो सम ऑफ स्पेशल प्रिकॉशन हैज टू बी टेकन. पेशेंट के साथ में कोई ना कोई होना चाहिए. अगर पेशेंट हाइपर एक्टिव है या उनको बहुत ज्यादा हेलुसिनेशन हो रहे हैं, ऑडिटरी हेलुसिनेशन हो रहे हैं, विजुअल हेलुसिनेशन हो रहे हैं, इल्यूजन हो रहे हैं पेशेंट को, तो यू हैव टू रीस्ट्रेन द पेशेंट ऑन द बेड. यू हैव टू रीस्ट्रेन द पेशेंट ऑन द बेड. तो दीज आर सम प्रिकॉशंस एंड प्रोटोकॉल्स एक साइकेट्रिक हॉस्पिटल में यू हैव टू चेक प्रॉपरली. सो दिस इज योर डेलीरियम. डेलीरियम का डेफिनेशन हो गया, उसके इंसिडेंसेस हो गए, फिर आपके इटियोलॉजी हो गया, क्लिनिकल फीचर्स हो गया, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस हो गया एंड मेडिकेशंस हो गया. आपका मेडिकेशंस के साथ साथ आपका नर्सिंग मैनेजमेंट भी हो गया. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज योर डिमेंशिया. तो व्हाट इज डिमेंशिया, आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो. ओके फाइन, नो प्रॉब्लम. Okay, so dementia consists of variety of symptoms that suggest chronic dysfunction in the brain. Global impairment of intellectual is the essential feature. Manifested as difficulty with memory, attention, thinking, and comprehension. So most of the time, kya hota hai dementia ke andar? Dementia is the situation. Just a second, please. Okay. So definition includes dementia is a chronic progressive mental disorder that adversely affects higher cortical function, which includes your memory, thinking, orientation, comprehension, calculation, learning capacity, language and judgment. So most of the time dementia ke andar kya hota hai ki jo hamare sare conceptual learning होता है या हमारा cognitive function होता है. cognitive function में क्या क्या चीजें आती हैं, memory आता है, how you are storing your memories, आपने past में क्या किया है, आप उनको कैसे recall करते हो, that includes in your memory. then thinking के लिए आप जैसे मतलब
आपने एग्जाम्स लिखते हैं, एग्जाम्स के टाइम पे आपने चीजें याद की हैं, आपने अपने चैप्टर्स लर्न किए हैं, चैप्टर्स लर्न करना और उनको मेमोराइज करना इज मेमोरी, एंड व्हेन यू आर राइटिंग ऑन द आंसर शीट, जब आप आंसर शीट के ऊपर लिख रहे हो तो व्हाट यू आर डूइंग, यू आर थिंकिंग फॉर बेटर इम्प्लीमेंटेशन, कि आप उसको किस तरीके से बेटर इम्प्लीमेंट कर सकते हो. देन ओरिएंटेशन टुवर्ड्स टाइम, पर्सन एंड प्लेस, आप कहाँ हो, क्या करते हो, towards your daily life activities, then calculation, learning capacity, how you are learning things. जैसे एक ही क्लास के अंदर काफी सारे स्टूडेंट्स होते हैं तो उन स्टूडेंट्स में सबकी लर्निंग कैपेसिटी डिफरेंट डिफरेंट होती है. कोई बच्चे ऐसे होते हैं जो एक बार में सब कुछ समझ जाते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको दो बार समझाना पड़ता है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको जिनके लिए जिनके साथ में थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रेशर करना पड़ता है, जिनके लिए हमें थोड़ा सा ज्यादा काम करना पड़ता है. तो एवरीबॉडी हैव डिफरेंट डिफरेंट लर्निंग कैपेसिटीज. तो दीज ऑल थिंग्स आर, ये सारी चीजें हमारे कॉग्निटिव फंक्शन होते हैं. तो व्हाट इज डिमेंशिया? डिमेंशिया इज अ क्रॉनिक प्रोग्रेसिव मेंटल डिसऑर्डर विच एडवर्सली अफेक्ट्स हायर कॉर्टिकल फंक्शंस. हायर कॉर्टिकल फंक्शंस कौन कौन से हैं आपके? इंक्लूडिंग योर मेमोरी, थिंकिंग, ओरिएंटेशन, कॉम्प्रिहेंशन, calculation, learning capacity, language and judgment. So these are your cortical functions. Now comes to the etiology. अब ये किस वजह से हो रहा है? तो आपको समझ आ गया? Dementia and delirium में difference ये है कि delirium के अंदर आपके disorientation हो रहा है, unconscious consciousness level change हो रहा है, memory loss हो रहा है, plus restlessness हो रहा है. But डिमेंशिया में क्या हो रहा है? डिमेंशिया में जितने भी आपके कॉर्टिकल फंक्शंस हैं, आपके कॉग्निटिव फंक्शंस हैं, जैसे मेमोरी हो गया, थिंकिंग हो गया, जजमेंट हो गया, परसेप्शन हो गया, कॉम्प्रिहेंशन हो गया, लर्निंग कैपेसिटी हो गया, फिर कैलकुलेटिंग कैपेसिटी हो गया, दीज ऑल थिंग्स आर गेटिंग अफेक्टेड. दीज ऑल थिंग्स आर गेटिंग अफेक्टेड एंड बोथ द डिजीज कंडीशंस आर क्रॉनिकली प्रोग्रेसिव. क्रॉनिकली प्रोग्रेसिव, धीरे 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 इनका प्रोसेस जो है वो आगे पास ऑन होता रहता है और धीरे 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 ये प्रोग्रेस डाउन करते रहते हैं. देन इटियोलॉजी इंक्लूड्स सिग्निफिकेंट लॉस ऑफ न्यूरॉन्स एंड वॉल्यूम इन ब्रेन रीजन डिवोटेड टू मेमोरी एंड हायर मेंटल फंक्शनिंग लॉस. दैट मीन सिग्निफिकेंट लॉस ऑफ न्यूरॉन्स. अब हमारे न्यूरॉन्स क्या करते हैं? न्यूरॉन्स टेक्स मैसेजेस फ्रॉम वन एरिया एंड ट्रांसफर दैट मैसेजेस टू द अनदर एरिया. तो ये हमारे न्यूरॉन्स का काम होता है. मेमोरी लॉस हो रहा है, कॉग्निटिव फंक्शन लॉस हो रहा है, परसेप्शन लॉस हो रहा है. क्यों हो रहा है? क्योंकि देयर इज अ सिग्निफिकेंट लॉस इन द मैसेंजर्स. तो मैसेंजर, तो जस्ट फॉर एन एग्जांपल, हमारे न्यूरॉन्स क्या काम करते हैं? इट एक्ट्स एज अ मैसेंजर. जैसे एक जगह से दूसरे जगह पर, जैसे पोस्टमैन होता है ना, आपने किसी को लेटर भेजा, आपने घर बैठ के किसी को लेटर पोस्ट कर दिया, वो पोस्ट ऑफिस में जाएगा, पोस्ट ऑफिस में जाने के बाद पोस्टमैन उसको रिसीव करेगा और जिसका एड्रेस है वो उसको वहां तक डिलीवर करके आ जाएगा. तो वैसे ही हमारे न्यूरॉन्स होते हैं, वो क्या काम करते हैं कि आपकी बॉडी में कहीं पर कोई मैसेज प्रोड्यूस हो रहा है, उस मैसेज को वो वहां से उठाते हैं, ब्रेन तक ले जाते हैं और उसका रिस्पॉन्स वापस उस एरिया में पहुंचा देते हैं. तो ये हमारे न्यूरॉन्स का काम होता है. तो सपोज आपको आपके ब्रेन के अंदर, आपके जो सेरिबेलम है उसके अंदर मेमोरी है, उसके अंदर आपके बचपन की एक मेमोरी है, जबकि जब आप नानी के घर जाते थे तो वहां आपको बहुत सारी चॉकलेट्स मिलती थी, आपके बहुत सारे रिलेटिव्स आते थे, काफी सारे कजन्स थे, वो आपके आपके जो आप अब आपको ये तो मालूम है कि आप नानी के यहाँ जा रहे हो, नानी के यहाँ जाके आपको बहुत सारी चॉकलेट्स मिलती है, बट अब आपको कजन्स का नाम याद नहीं आ रहा है, कजिन्स का नाम याद नहीं आ रहा. क्यों याद नहीं आ रहा है? क्योंकि जिस न्यूरॉन को आपके कजिन का नाम आपके सेरिब्रल कॉर्टेक्स तक पहुंचाना था वो न्यूरॉन ही डैमेज है. जब वो न्यूरॉन डैमेज है तो आप उस कजिन का नाम रिकॉल नहीं कर पाओगे. तो दिस इज द इटियोलॉजी कि देयर इज सिग्निफिकेंट लॉस ऑफ न्यूरॉन्स विच पासिस मैसेज फ्रॉम वन एरिया टू अनदर एरिया. फाइन. तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि इफ देयर आर नंबर ऑफ If there is maximum number of loss of neurons, there will be different type of dysfunctions in the body. एक neuron damage हुआ है उसकी वजह से memory loss हो रहा है, दूसरा neuron damage हुआ है उसकी वजह से cognitive function loss हो रहा है, तीसरा neuron damage हुआ है उसकी वजह से perception loss हो रहा है, next neuron damage हुआ है तो उसकी वजह से और different type के functional abilities affect हो रही हैं. तो what is etiology?
etiology includes your significant loss of neurons in the body or significant loss of neurons in the brain which passes message from one area to another area. Fine. तो ये आपका फर्स्ट इटियोलॉजी हो गया. सेकेंड इटियोलॉजी क्या है आपके? इन्वायरमेंटल फैक्टर्स. अब इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में क्या क्या चीजें आती हैं? इन्फेक्शन हो गया, ब्रेन इन्फेक्शन हो गया, मेनिंजाइटिस हो गया या एनसेफेलाइटिस हो गया, जिसकी वजह से पेशेंट का जो ब्रेन फंक्शन है वो डैमेज हो गए हैं. तो ये होता है इन्फेक्शन. देन मेटल्स हो गए. मेटल्स मीन्स जैसे एयर में बहुत पोल्यूशन है, एयर के अंदर व्हीकल्स कितने चल रहे हैं, फिर बहुत सारे ट्रीज काटे जा रहे हैं जिसकी वजह से जो एयर के अंदर या जो हम कार्बन डाइऑक्साइड जो है एक्सहेल करते हैं उसको एब्जॉर्ब करने का काम ट्रीज का होता है. अब ट्रीज कम है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड आपके एनवायरनमेंट में घूमती रहेगी, ऑक्सीजन का लेवल कम होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज्यादा होगा. तो ये मेटल्स हैं जैसे आर्सेनिक हो गया या फिर लेड हो गया, ये सब हमारे एयर के थ्रू हमारी बॉडी में जा रहे हैं और वो हमारे बॉडी में ब्रेन को इफेक्ट कर रहे हैं. फाइन. तो और नेक्स्ट आता है आपका टॉक्सिन्स. जैसे टॉक्सिन्स में भी आपका फूड पॉइजनिंग है या फिर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ड्रग्स हैं, उनकी वजह से जो टॉक्सिन्स बॉडी के अंदर जा रहे हैं. तो इटियोलॉजी में सिग्निफिकेंट लॉस ऑफ न्यूरॉन्स हो गया, देन एनवायरमेंटल फैक्टर्स हो गया. एनवायरमेंटल फैक्टर्स में इन्फेक्शन हो गया, मेटल्स हो गया, टॉक्सिन्स हो गया. देन नेक्स्ट आएगा आपका एक्सेसिव अमाउंट ऑफ मेटल आयन सच एज जिंक एंड कॉपर इन ब्रेन. अगर कोई जिंक सप्लीमेंट्स लेता है या कॉपर सप्लीमेंट्स लेते हैं एक्सेसिवली या विदाउट नोइंग कि आप क्या खाना खा रहे हो, आपके फूड के अंदर ये सारी चीजें एक्सेसिव हो गई, जिंक ज्यादा हो गया या कॉपर ज्यादा हो गया. जैसे जस्ट फॉर एन एग्जांपल, अभी कोरोना के टाइम पर क्या था कि जो मैनेजमेंट गाइडलाइंस बनाई गई थी उनमें चार पांच चीजें इंक्लूड की गई थी. विटामिन सी टैबलेट्स इंक्लूड की गई थी, जिंक टैबलेट्स इंक्लूड की गई थी, जिंक एंड कॉपर टैबलेट्स इंक्लूड की गई थी. फिर पेशेंट्स को सप्लीमेंट्स दिए जा रहे थे, मल्टीविटामिन सप्लीमेंट्स दिए जा रहे थे. तो ये क्या था कि मोस्ट ऑफ द टाइम हमारी बॉडी क्या सोचती है, मतलब हम लोग क्या सोचते हैं कि दवाई ले रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा ले लें ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो. क्योंकि ये जो कोरोना था ये इस तरीके की डिजीज थी कि इसके लिए कोई भी किसी भी तरीके का मैनेजमेंट तो था नहीं. तो लोग अपने आप को प्रिजर्व करना चाहते थे, मतलब लोग अपने आप को डिजीज कंडीशन से प्रिवेंट करना चाहते थे. अब उनको ये मालूम नहीं है कि जितना अमाउंट ऑफ मेडिसिन वी नीड उतना ही लेना है. वो ज्यादा इसलिए ले रहे हैं कि नहीं ज्यादा, मतलब चार दिन की दवाई बताइए तो मैं पांच दिन ले लूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मुझे कोरोना नहीं होना चाहिए. वो ये सोच के मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम और मैक्सिमम डेज के लिए मेडिसिन ले रहे हैं. अब वो उनका क्या मतलब है इस चीज को लेने का कि उनको चाहिए कि मुझे प्रिवेंशन चाहिए कैसे ना कैसे करके. लेकिन अब उनकी बॉडी के अंदर वो जिंक जो है, वो कॉपर जो है, वो ज्यादा चला गया. अमाउंट कितना नीडेड था? ओनली 10 grams. और आपने 4 days की जगह 10 days वो मेडिसिन ले ली तो 50 grams चला गया आपकी बॉडी के अंदर, 50-40 grams चला गया. तो अभी एक्सेसिव अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स हो गया बॉडी के अंदर, तो वो क्या करेगा आपके ब्रेन के ऊपर, आपकी बॉडी के ऊपर हार्मफुल इफेक्ट करेगा. तो एक्सेसिव अमाउंट ऑफ मेटल आयन्स सच एज जिंक एंड कॉपर डिक्रीजेस द ब्रेन एक्टिविटी, डिक्रीजेस द ब्रेन एक्टिविटी. द नेक्स्ट इज अर्ली डिप्रेशन. एनीबडी हु इज सफरिंग विद अर्ली टाइप ऑफ डिप्रेशन और अल्जाइमर्स डिजीज कंडीशन, दे कैन इजिली डेवलप डिमेंशिया, दे कैन इजिली डेवलप डिमेंशिया. ओके, सो नाउ the etiology is divided into two categories. ये तो basic थे, ये चार चीजें तो basic थी. But now the category is divided into etiology is divided into two categories. One is untreatable and irreversible. Second आते हैं treatable and reversible. यानी कि हम उनको treat कर सकते हैं और conditions को reverse कर सकते हैं. तो untreatable conditions में कौन कौन से आते हैं? First आता है आपका degenerating disorders of central nervous system. तो जब मैं आपको सेंट्रल नर्वस सिस्टम पढ़ाना शुरू किया था उसी टाइम मैंने आपको बताया था कि हमारे बॉडी के अंदर सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल नर्वस सिस्टम ऐसा होता है जिसके नर्व्स न्यूरॉन्स अगर एक बार डैमेज हो जाएं तो वो दोबारा से रीजनरेट नहीं करते. जैसे हमारी स्किन होती है वो रीजनरेटिव होती है, कहीं पर चोट लग गई तो दोबारा स्किन टिश्यूज फॉर्म हो जाते हैं. बट CNS में ऐसा नहीं होता है, वो अगर एक बार डीजनरेट हो गए तो वो वापस रीजनरेट नहीं होते हैं. तो इफ देयर इज एनी डीजनरेटिव डिजीज कंडीशन इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम तो पेशेंट वुड डेवलप डिमेंशिया.
अगर किसी को एल्जाइमर्स डिजीज है, पार्किंसंस डिजीज है, हंटिंगटन कोरिया है किसी को, तो दीज कंडीशंस आर नॉन ट्रीटेबल, अनट्रीटेबल और इरिवर्सिबल. अगर किसी को ये प्रॉब्लम्स हैं तो वी कांट ट्रीट द पेशेंट. वी कैन स्लो डाउन द प्रोग्रेस ऑफ द डिजीज कंडीशन, बट वी कांट कंप्लीटली क्योर द पेशेंट. देन आता है आपका नेक्स्ट ट्रीटेबल और रिवर्सिबल कॉजेज. ट्रीटेबल और रिवर्सिबल कॉजेज में आएगा आपका वैस्कुलर डिजीज कंडीशंस. वैस्कुलर में कौन कौन से आते हैं, जैसे किसी पेशेंट को वैस्कुलर सीवीडी है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज कंडीशंस है, या इंट्राक्रेनियल स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन्स है, एक्सेसिव इंट्राक्रेनियल प्रेशर हो रहा है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स है लाइक हिपैटिक फेलियर हो गया या रीनल फेलियर हो गया. तो रीनल फेलियर को हम, हिपैटिक फेलियर है तो हम उसको, पेशेंट को हिपैटिक ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, लिवर ट्रांसप्लांट हो जाएगा, किडनी ट्रांसप्लांट हो जाएगा. ट्रांसप्लांट करने के बाद जो डिजीज कंडीशन है वो सबसाइड हो जाएगी और पेशेंट परफेक्टली नॉर्मल हो जाएगा. या किसी पेशेंट को एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स है, एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स में डायबिटीज मेलाइटिस आता है, हम डायबिटीज को क्योर कर सकते हैं बट उसके लिए प्रॉपर एंड स्ट्रिक्ट ट्रीटमेंट चाहिए. तो ये सारे होते हैं आपके ट्रीटेबल डिसऑर्डर्स. तो इटियोलॉजी दो कंडीशंस में, दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है, अनट्रीटेबल एंड इरिवर्सिबल कॉजेस. सेकेंड आते हैं आपके ट्रीटेबल एंड रिवर्सिबल कॉजेस. ओके, देन नेक्स्ट आएगा आपका स्टेजेस ऑफ डिमेंशिया. तो हमने क्या क्या चीजें पढ़ी हैं अभी तक, हमने पढ़ा है डेफिनेशन ऑफ डिमेंशिया, देन आपका इटियोलॉजी ऑफ डिमेंशिया. तो इटियोलॉजी में वी हैव डिस्कस टू टाइप ऑफ इटियोलॉजी, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल, और ट्रीटेबल और अनट्रीटेबल. तो नेक्स्ट आता है आपका स्टेजेस ऑफ डिमेंशिया. तो फाइनली डिमेंशिया इज स्टेज अंडर थ्री कैटेगरीज, अंडर three categories. One is stage 1, stage 2 and stage 3. तो stage 1 में क्या है, early stage बोलते हैं इसको, 2 to 4 years तक ये disease condition रहती है, उसके बाद ये middle stage में transfer हो जाती है. 2 से 4 साल के बीच में थोड़े थोड़े से symptoms आते हैं, maximum 4 years तक रहता है. फिर अगर किसी को बहुत ज्यादा associated disorders भी हैं साथ में body के, जैसे पेशेंट को डिमेंशिया डेवलप कर रहा है पेशेंट, लेकिन उसके साथ में अगर पेशेंट को एचआईवी एड्स है या किसी भी तरीके का डीजनरेटिव डिजीज कंडीशन है, अल्जाइमर्स है, पार्किंसंस है या हंटिंगटन्स कोरिया है, तो वो डिजीज कंडीशन 4 साल की बजाय 2 साल में ही प्रोग्रेस डाउन कर जाएगी. तो फर्स्ट आता है आपका अर्ली स्टेज, फिर मिडिल स्टेज, फिर फाइनल स्टेज. तो अर्ली स्टेज 2 to 4 years तक रहता है, मिडिल स्टेज 2 to 12 years तक रहता है, एंड फाइनल स्टेज अप टू 1 year, मतलब 12 साल के बाद वो एक्सेसिव होने लगता है. और इसके अंदर फिर क्या क्या चीजें आती हैं, जैसे स्टेज 1 में क्या क्या होता है, अगर कोई इंडिविजुअल डिमेंशिया से अफेक्टेड है, उसको डिमेंशिया हो गया है, तो स्टार्टिंग के 1, 2, 3 साल में क्या क्या उसको सिम्टम्स आएंगे. फर्स्ट सिम्टम होगा फॉरगेटफुलनेस, चीजें भूलने लगेंगे, डिक्लाइनिंग इंटरेस्ट इन द एनवायरमेंट, सोशलाइज होना बंद कर देंगे, हेजिटेंसी इन इनिशिएटिंग एनी टाइप ऑफ एक्शंस. यानी कि अगर आप टीम लीडर हो, तो जब आप टीम लीडर हो तो आपका काम क्या है, आपको अपने टीम को लीड करना है, आपको अपने टीम के लिए टोटल अमाउंट ऑफ थिंग्स प्लान करना है कि आपने क्या क्या चीजें नेक्स्ट 1 month के लिए आपने क्या चीजें करनी है. आप फिर अपनी टीम को डिवाइड करोगे कि आपका ये काम है, आपका ये काम है, आपको बजटिंग देखना है, आपको प्लानिंग करना है, या आपको ये चीजें इंप्लीमेंट करना है. तो देयर इज अ हेजिस्टेंसी इन इनिशिएटिंग एनी टाइप ऑफ एक्शन, क्योंकि वो उनका जो इंटरेस्ट है टूवर्ड्स सोशलाइजेशन, टूवर्ड्स एनवायरमेंट, वो डिक्लाइन हो रहा है. और जब डिक्लाइन होगा तो वो अपने किसी भी काम में मन नहीं लगा पाएंगे. देन पुअर परफॉर्मेंस एट वर्क. तो डेफिनेटली आप चीजें भूलने लग रहे हो. जब आप एक बार चीजें भूल जाते हो तो आपको इरिटेशन होने लगती है कि यार मैं तो, मुझे याद ही नहीं है मुझे क्या करना था. तो उस काम में आपका इंटरेस्ट टोटली खत्म हो जाता है. तो यही अर्ली स्टेज में होता है कि पेशेंट को फॉरगेटफुलनेस होता है, डिक्लाइनिंग इंटरेस्ट इन एनवायरमेंट होता है, सोशलाइजेशन कम हो जाता है, हेजिस्टेंसी इन इनिशिएटिंग एनी टाइप ऑफ एक्शंस हो जाता है, देन पुअर परफॉर्मेंस एट वर्क. ये फर्स्ट स्टेज में होता है. सेकंड स्टेज में क्या होता है, प्रोग्रेसिव मेमोरी लॉस. मतलब अभी क्या था, फर्स्ट स्टेज में क्या हो रहा था, धीरे धीरे कुछ कुछ चीजें भूल रहे हैं. कि एक ऐसा नहीं है कि रोज कुछ ना कुछ भूल जा रहे हैं, थोड़ा इंपॉर्टेंट भूल गए, कभी कभी कुछ और चीजें भूल गए. मतलब भूलने की शुरुआत हो जाती है, बट नॉट मोस्ट ऑफ द टाइम चीजों अपने नॉर्मल उसमें रहते हैं, कंडीशंस में रहते हैं. बट सेकंड स्टेज में मेमोरी लॉस प्रोग्रेसिव हो जाता है. जहां आप एक चीज भूल देते हो, वहां आप हर चीज भूलना शुरू कर देते हो.
देन हेजिस्टेंस इन रिस्पॉन्स टू क्वेश्चंस, क्वेश्चन नहीं पूछना किसी चीज के लिए, हैज डिफिकल्टी इन फॉलोइंग सिंपल इंस्ट्रक्शंस. जैसे सिंपल इंस्ट्रक्शंस क्या है, मैं जस्ट फॉर एन एग्जांपल मैंने आपको एक असाइनमेंट दिया है, वो असाइनमेंट में मैंने पूरा डिटेल बता दिया है आपको कि सपोज आपने नर्सिंग केयर प्लान बनाना है, नर्सिंग केयर प्लान का मैंने पूरा फॉर्मेट दिया है कि पहले आपने डेटा कलेक्ट करना है, डेटा में सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव डेटा लेना है, फिर नर्सिंग डायग्नोसिस लिखना है, फिर आपने प्लानिंग प्लान और गोल लिखना है, फिर इंटरवेंशन लिखना है, फिर रैशनल लिखना है, इम्प्लीमेंटेशन करना है, फिर रैशनल लिखना है, और फिर उसके बाद में उसका इवैल्यूएशन लिखना है. तो इस तरीके से आपको मैंने बता दिया कि दिस इज जस्ट अ सिंपल प्लान और आपको इस तरीके से एक नर्सिंग डायग्नोसिस बना के मुझे सबमिट करना है. दिस इज अ जस्ट सिंपल असाइनमेंट. बट when you are not understanding that simple assignment also, that is known as your, you are not following the simple instructions. Or aap bologe ek line mein seedhe khade ho jao, aapko samajh hi nahi aa raha hai kya karna hai, to that is middle stage. बहुत ज्यादा इरिटेबल हो जाते हैं, बहुत ज्यादा एंशियस हो जाते हैं अपनी चीजों को लेके. वो जैसे ओसीडी के पेशेंट्स होते हैं ना, ओसीडी में क्या होता है कि एक चीज को बार बार रिपीट करने की हैबिट हो जाती है. जैसे कुछ लोग होते हैं उनको बेडशीट्स एकदम साफ चाहिए, अच्छे तरीके से चारों तरफ से उनको टक इन बेडशीट चाहिए. कोई कोई लोग होते हैं जिनको बहुत ज्यादा, अगर वो जस्ट एक फिंगर को टच कर देंगे तो उनको फटाफट अपने हैंड वॉश करने हैं, और जब तक हैंड वॉश नहीं करेंगे इरिटेटेड रहते हैं बहुत ज्यादा. कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको अपने पैर बिल्कुल साफ चाहिए होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको अपना पूरा इन्वायरमेंट जिस घर में वो लोग रह रहे हैं ना, उस घर को इतना सेफ एंड सिक्योर बना के रखते हैं, तो वो होते हैं एंजाइटी, वो एंशियस हो जाते हैं हर चीज को लेके. तो इसी तरीके से मिडिल एज में जो पेशेंट्स होते हैं, मिडिल स्टेज के जो डिमेंशिया के पेशेंट्स होते हैं, वो भी बहुत ज्यादा इरिटेटेड हो जाते हैं चीजों को लेके और एंशियस होने लगते हैं. देन थर्ड आता है आपका फाइनल स्टेज. अब फाइनल स्टेज में क्या क्या होता है, देयर इज अ मार्क लॉस इन वेट बिकॉज ऑफ इनएडिक्वेट इनटेक ऑफ फूड. हर चीज भूल जाते हैं, वो सब चीज भूल जाते हैं, कैसे खाना खाना है, क्या खाना खाना है, उनको यही पता नहीं रहता है कि क्या चीज खानी है और क्या नहीं खानी है. तो देयर इज अ डिक्रीज लॉस इन, देयर इज अ मार्क लॉस इन वेट, क्योंकि वो खाना प्रॉपर टाइम से प्रॉपर नहीं खा रहे हैं. फाइन. देन इनएबिलिटी टू कम्युनिकेट बिकॉज दे आर नॉट रिकॉग्नाइजिंग द फैमिली मेंबर्स ऑल्सो. दे डू नॉट रिकॉग्नाइज फैमिली मेंबर्स, दे डू नॉट रिकॉग्नाइज देयर सोशल फैमिली, दे डोंट रिकॉग्नाइज देयर कम्युनिटी वेयर दे आर लिविंग. सो दे decreases in the communication or they are unable to perform any communicable skills. Then incontinence of feces or urine will be there, loss of ability to stand and walk, even death is being caused by aspirational pneumonia, kyunki their whole body's function gets affected by this condition. Okay, so this is your stages. Now comes to your types of dementia. तो टाइप्स ऑफ डिमेंशिया में फोर टाइप्स के होते हैं, फाइव टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट होता है आपका कॉर्टिकल डिमेंशिया, सेकंड होता है सबकॉर्टिकल डिमेंशिया, थर्ड होता है प्रोग्रेसिव डिमेंशिया, फोर्थ होता है प्राइमरी डिमेंशिया, एंड फिफ्थ होता है आपका सेकेंडरी डिमेंशिया. तो फर्स्ट कॉर्टिकल डिमेंशिया में क्या होता है, डिमेंशिया वेयर द ब्रेन डैमेजेस प्राइमरीली अफेक्ट द ब्रेन्स कॉर्टेक्स रीजन और आउटर लेयर ऑफ द ब्रेन. सो कॉर्टिकल डिमेंशिया टेंड्स टू कॉज प्रॉब्लम्स विद मेमोरी, लैंग्वेज, थिंकिंग एंड सोशल बिहेवियर. तो जैसे कॉर्टिकल मैंने आपको बताया कि जब डिमेंशिया की डेफिनेशन बताई उसमें बताया डिमेंशिया इज अ प्रोग्रेसिव डिजीज कंडीशन, डीजनरेटिव प्रोग्रेसिव डिजीज कंडीशन ऑफ द हायर कॉर्टिकल रीजन. और हायर कॉर्टिकल रीजन क्या है, योर आउटर और आउटर मोस्ट एरिया ऑफ द ब्रेन, जिसका काम होता है हमारा मेमोरी, लैंग्वेज, थिंकिंग, सोशल बिहेवियर एंड परसेप्शन, एवरीथिंग को कंट्रोल करना. तो कॉर्टिकल डिमेंशिया मीन्स देयर इज अ मार्क डिक्रीज इन द कॉन्सेप्ट cognitive functions, that is known as your cortical dementia. Second aata hai aapka subcortical dementia, that affects part of the brain below the cortex. So subcortical dementia tends to cause changes in the emotions, then movement, in addition to problem with memory. Sabse जो फर्स्ट है आपका कॉर्टिकल डिमेंशिया है, उसके अंदर कॉग्निटिव फंक्शंस डैमेज हो रहे हैं. फिर सेकंड आता है आपका सब कॉर्टिकल डिमेंशिया है, उसके अंदर इमोशनल डिस्टरबेंसेस हो रहे हैं. पेशेंट वोंट बी एबल टू फील हैप्पी, पेशेंट इज नॉट एबल टू फील एनी काइंड ऑफ सॉरो, ग्रीफ, पेन, रिलीफ, एनीथिंग, नो इमोशंस इज देयर, एंड फंक्शनल मूवमेंट ऑल्सो डिक्रीजेस. तो फर्स्ट कॉर्टिकल, सेकेंड सब कॉर्टिकल, थर्ड आता है आपका प्रोग्रेसिव डिमेंशिया. तो प्रोग्रेसिव डिमेंशिया दैट गेट्स वर्स ओवर टाइम, ग्रेजुअली इंटरफेयरिंग विद मोर एंड मोर कॉग्निटिव एबिलिटीज एंड फंक्शनल एबिलिटीज.
तो प्रोग्रेसिव इटसेल्फ नेम डिनोट्स के धीरे 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 विद टाइम द डिजीज कंडीशन इज प्रोग्रेसिंग फ्रॉम वन स्टेज टू अनदर स्टेज एंड फ्रॉम स्टेज बाय स्टेज द डिजीज कंडीशन इज डेवलपिंग टू द अनदर लेवल ऑल द डिफिकल्टी और ऑल द कॉग्निटिव एबिलिटीज आर गेटिंग डिक्रीज विद फिजिकल इमोबिलिटी विद फिजिकल इमोबिलिटी फाइन. देन फोर्थ आता है आपका प्राइमरी डिमेंशिया. प्राइमरी डिमेंशिया का मतलब है कि व्हेन देयर इज नो एसोसिएटेड डिजीज कंडीशन अराइजिंग इन द बॉडी विदाउट दैट द डिजीज कंडीशन द डिमेंशिया इज अराइजिंग. दैट मींस आपके सिर्फ और सिर्फ न्यूरॉन डैमेज है. अब न्यूरॉन का डैमेज होने का क्या रीजन है? ऑटो इम्यून डिजीज की वजह से या फिर एडवांस एज की वजह से न्यूरॉन्स जो है वो डैमेज हो गए हैं विदाउट एनी डिजीज कंडीशन. दैट इज नोन एज प्राइमरी डिमेंशिया. एंड सेकेंडरी डिमेंशिया अकर्स विद द फिजिकल डिजीज इन द ह्यूमन बॉडी और फिजिकल इंजरी इन द ह्यूमन बॉडी. किसी को रोड ट्रॉमा एक्सीडेंट हो गया जिसकी वजह से न्यूरॉन्स डैमेज हो गए या फिर किसी को फिजिकल इंजरी फिजिकल इलनेस है लाइक HIV है किसी को या सेरिब्रल ट्रॉमा है या फिर डायबिटीज मेलाइटिस है डायबिटीज कीटोएसिडोसिस है पेशेंट को हाइपरटेंसिव पेशेंट है या ओबेसिटी है पेशेंट को. इन डिजीज कंडीशन के बॉडी में होने के बाद में अगर किसी को डिमेंशिया हो रहा है तो दैट इज नोन एज सेकेंडरी डिमेंशिया. तो आपके 5 टाइप्स के डिमेंशिया होते हैं. कॉर्टिकल डिमेंशिया देन सबकॉर्टिकल डिमेंशिया देन थर्ड आता है आपका प्रोग्रेसिव डिमेंशिया. फोर्थ आता है प्राइमरी डिमेंशिया एंड फिफ्थ आता है आपका सेकेंडरी डिमेंशिया. दीज आर द टाइप्स ऑफ डिमेंशिया. नाउ कम्स टू योर डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस. अब डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस में क्या क्या करते हैं? डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन आपका ऑलमोस्ट सिमिलर रहेगा जैसे हमने डिलीरियम में किया था कि पहले सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं? फिजिकल एग्जामिनेशन कर रहे हैं, फिर हिस्ट्री कलेक्शन कर रहे हैं. हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे. हिस्ट्री कलेक्शन में कंप्लीट योर पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री, पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री, प्रेजेंट सर्जिकल हिस्ट्री, फिर डायट्री हिस्ट्री, मेडिसिनल हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री ऑफ एनी कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कंडीशन, एनी प्रोग्रेसिव डिजीज कंडीशन इन द फैमिली और इन द पेशेंट इटसेल्फ. ये आएगा हमारा हिस्ट्री कलेक्शन में. फिर पेशेंट का एक्सरे होगा, सीटी स्कैन होगा, MRI होगा, ब्लड एग्जामिनेशन होगा, फिर LFT होगा, KFT होगा. ये सारे आपके डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस में रहेंगे. देन नेक्स्ट आएगा आपका, आपको क्लिनिकल फीचर्स क्लियर हो गए. पेशेंट को फॉरगेटफुलनेस होगा, कंफ्यूजन होगा, पुअर कॉन्सेंट्रेशन होगा. ये सब डिजीज प्रोग्रेशन के साथ में बढ़ते रहते हैं. देन नेक्स्ट एंड लास्ट थिंग है आपकी ट्रीटमेंट, पेशेंट का मैनेजमेंट. मैनेजमेंट में 3 चीजें आती है, फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, सर्जिकल मैनेजमेंट एंड नर्सिंग मैनेजमेंट. तो फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट इंक्लूड्स योर एल्जाइमर्स मेडिसिन. तो जो सारी चीजें हम एल्जाइमर के पेशेंट को देते हैं जैसे टैक्रीन हाइड्रोक्लोराइड हो गया, डोन पेंजिल हाइड्रोक्लोराइड हो गया, ये प्रोवाइड करेंगे. फिर एंटीसाइकोटिक मेडिकेशंस देंगे. एंटीसाइकोटिक्स में देंगे हम फिर ओलेनाजेपिन देते हैं पेशेंट को, ये सब हमारे एंटीसाइकोटिक्स हो गया. फिर एंटी डिप्रेसेंट्स हो गए, मूड स्टेबलाइजर्स हो गए, ये सब हमारे मेडिकल मैनेजमेंट में आएगा. मेडिकल मैनेजमेंट में एल्जाइमर्स मेडिसिन आएगा, फिर एंटीसाइकोटिक्स होगा, एंटी डिप्रेसेंट्स होगा, मूड स्टेबलाइजर्स होगा, ये सब आपका मेडिकल मैनेजमेंट आएगा. देन आते हैं आपके नर्सिंग मैनेजमेंट. अब नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या क्या करना है? नर्सिंग मैनेजमेंट में डेली रूटीन एग्जामिनेशन. डेली रूटीन एग्जामिनेशन में पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन होगा और मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन होगा. न्यूट्रिशन एंड बॉडी एग्जामिनेशन होगा, पेशेंट को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है. बॉडी वेट चेकअप होगा डेली, पेशेंट को किसी भी तरीके से एडिमा तो नहीं हो रहा है या एक्सेसिव फ्लूइड लॉस तो नहीं हो रहा है. एक्सेसिव पेशेंट को किसी कोई भी टाइप का रिटेंशन या कोई भी टाइप का एक्सेसिव बॉडी फ्लूइड एक्सक्रीशन तो नहीं हो रहा है, इसीलिए न्यूट्रिशन एंड बॉडी वेट डेली चेकअप होना है. फिर पेशेंट का पर्सनल हाइजीन हैज टू बी मेंटेन वेरी वेरी नाइसली. देन टॉयलेट हैबिट्स पेशेंट को सिखाने हैं. टॉयलेट हैबिट्स अगर पेशेंट के नहीं है, यूरिन इनकॉन्टिनेंस हो रहा है, फीसिस इनकॉन्टिनेंस हो रहा है, तो पेशेंट को कैथेटर प्रोवाइड करना है या अगर फीकल इनकॉन्टिनेंस है तो कोलोस्टोमी करना है पेशेंट को. देन वी हैव टू प्रिवेंट द पेशेंट फ्रॉम एनी टाइप ऑफ एक्सीडेंट्स क्योंकि पेशेंट का वॉकिंग एबिलिटीज कम है, लिस्टिंग एबिलिटीज कम है, स्पीकिंग एबिलिटीज कम है, कोग्निटिव फंक्शंस कम है. तो इसीलिए पेशेंट किसी भी तरीके से फॉल इंजरीज ना हो या अपने आप को पेशेंट को चोट ना पहुंचाए, इससे हमें पेशेंट को मैनेज करना है. फ्लूइड मैनेजमेंट करना है,
फ्लूइड मैनेजमेंट में आपने इनपुट एंड आउटपुट चार्टिंग करना है, एक्सेसिव अमाउंट ऑफ फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इम्बैलेंस ना हो, इसीलिए यू हैव टू परफॉर्म द न्यूट्रिशनल असेसमेंट ऑफ द पेशेंट. उसके बाद पेशेंट का मूड मूड चेंजेस के लिए उनको फैमिली थेरेपी करानी है, ग्रुप थेरेपीज करानी है, प्ले थेरेपीज करानी है पेशेंट को. और अगर पेशेंट को डिस्टर्ब स्लीप है तो उनके लिए फिर सेडेटिव्स प्रोवाइड करने हैं. तो दिस एंड्स योर डिमेंशिया. तो व्हाट वी हैव डिस्कस्ड इन डिमेंशिया, डेफिनेशन ऑफ डिमेंशिया वी हैव डिस्कस्ड, देन इटियोलॉजिकल फैक्टर्स वी हैव डिस्कस्ड. इटियोलॉजिकल फैक्टर्स में वी हैव डिस्कस्ड टू टाइप ऑफ इटियोलॉजिकल फैक्टर्स, इररिवर्सिबल एंड रिवर्सिबल, और वी कैन से ट्रीटेबल और ट्रीटेबल डिसऑर्डर्स. फिर उसके बाद में हमने स्टेजेस पढ़ी हैं. स्टेजेस आर थ्री स्टेजेस, स्टेज वन अर्ली स्टेज, स्टेज टू मिडिल स्टेज, एंड स्टेज थ्री लेट स्टेज, एडवांस स्टेज वी कैन से. देन टाइप ऑफ डिमेंशिया वी हैव डिस्कस्ड. फाइव टाइप ऑफ डिमेंशिया आर देयर. कॉर्टिकल डिमेंशिया, देन सबकॉर्टिकल डिमेंशिया, थर्ड आता है आपका प्रोग्रेसिव डिमेंशिया, फोर्थ आता है आपका प्राइमरी डिमेंशिया एंड सेकेंडरी डिमेंशिया. आफ्टर दैट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस. डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस में हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन एंड लैब इन्वेस्टिगेशंस वी हैव डन. देन उसके बाद मैनेजमेंट. मैनेजमेंट में थ्री टाइप ऑफ मैनेजमेंट वी हैव टू डिस्कस. फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, देन सर्जिकल मैनेजमेंट, देन नर्सिंग मैनेजमेंट. अब इस कंडीशन में हमारे पास में कोई सर्जिकल मैनेजमेंट नहीं है तो वी कैन स्किप द स्टेप. तो फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में क्या क्या करना है. अल्जाइमर्स में जो मेडिसिन प्रोवाइड कराते हैं सेम मेडिसिन वी हैव टू प्रोवाइड टू द पेशेंट. देन एंटी साइकोटिक्स देने हैं, एंटी डिप्रेसेंट्स देने हैं एंड मूड स्टेबलाइजर्स देने हैं. उसके बाद आता है नर्सिंग मैनेजमेंट. पेशेंट का इनपुट एंड आउटपुट चार्टिंग करना है, न्यूट्रिशनल बैलेंस चेक करना है, ये सब आएगा हमारा नर्सिंग मैनेजमेंट में. ओके okay?